संविधान दिवस के अवसर पर मुरादाबाद में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी द्वारा संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 के उपलक्ष में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष रूप सिंह भारती एवं संचालन वंश बहादुर प्रदेश कोषाध्यक्ष ने किया। संगोष्ठी में उपस्थित तमाम पदाधिकारियों ने कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर शपथ दिलाई और सभी से संविधान की सुरक्षा करने की अपील की। प्रांतीय अध्यक्ष रूप सिंह भारती ने सभी सदस्यों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रकाश डाला कि पूरी दुनिया में भारतीय संविधान ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो भारत की विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर देश को एकता और अखंडता की मिसाल कायम करता है। भारत के संविधान की बदौलत ही भारत लोकतंत्र सर्वोपरि व उत्कृष्ट श्रेणी में आता है। संगोष्ठी में मुख्य रूप से रूप सिंह भारती, वंश बहादुर, वीर सिंह, हरिओम सागर, डॉक्टर कैलाश चंद्र, हरजीत सिंह दिवाकर, मनमोहन सिंह, विशाल सागर, राधे कृष्ण, राजेश कुमार, वीपी सिंह, बीआर सागर, दिनेश गौतम, अनिल कुमार आदि कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम रूप सिंह भारती है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी रजिस्टर्ड मुख्यालय मुरादाबाद और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा रचित भारतीय संविधान जो कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी द्वारा आज ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस विचार गोष्ठी में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तमाम संविधान विशेषज्ञ लोग आज विचार गोष्ठी में इकट्ठा हुए हैं और सभी ने अपने अपने विचार रखकर ये प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान दुनिया का सबसे उत्तम संविधान है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। ये जानते हुए कि भारतीय संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बलबूते भारत में विभिन्न तमाम जाति धर्म संप्रदाय वर्ग क्षेत्र भाषाओं के लोग रहते हैं, तमाम विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद भी भारतीय संविधान में बाबा साहब ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए सभी को एक सूत्र में बांधकर इस देश को एकता और अखंडता की कायम की और इस देश की एकता अखंडता अगर आज ये कायम है और ये बदस्तूर ताउम्र रहती दुनिया तक ये कायम रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय संविधान की बदौलत है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये भी जनमानस तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के माध्यम से जो एकता अखंडता कायम है ये तब तक ही जारी रह सकती है जब तक भारतीय संविधान सुरक्षित है। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय संविधान को इस तरीके से उसकी सुरक्षा संरक्षा पर ध्यान दे, उसको पाले पोसे कि भारतीय संविधान की तरफ कोई नज़र उठा के ना देख सके, भारतीय संविधान में किसी तरीके की छेड़छाड़ ना कर सके और जिस तरीके से कुछ फिरकापरस्त लोग भारतीय संविधान में संशोधन करके तमाम तरह की जो अधिकार हैं वंचित वर्ग के उन पर कुठाराघात करते हैं वो ना कर सकें, तो मैं आज इस दिन के इस दिवस पर मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो लोग भारतीय संविधान में संशोधन करके भारतीय संविधान के अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं वो बाज आएँ और भारतीय संविधान को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें ताकि ये देश सुरक्षित रहे, इस देश के प्रति एक नागरिक सुरक्षित रहें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः देशवासियों को आज के इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।